जय हिंद साथियों, मैं देव सागर आपका दोस्त एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो फीमेल है वो कब हीट पे आएगी, उसको कब मैट कराना है, कौन से दिन मैट कराना है, मैट कराने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो कंसीव हो चुकी है, कंसीव होने के बाद आपको जब कंफर्म हो जाएगा तो उसकी कौन कौन सी मेडिसिन चलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बता रही हूँ। जिसमें सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि आपकी फीमेल हीट पे कब आती है। अगर आपने कोई पपी खरीदा है फीमेल, तो वो आपकी पहली हीट पे जब आएगी तो वो 9 से 10 महीने के बीच में पहली हीट पे आती है। उसके बाद आपकी दूसरी हीट जो आती है वो उसके 4 महीने से 5 महीने के बीच में आती है। कुछ लोग पहली हीट पे मैट करा लेते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहली हीट पे मैट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो फीमेल है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होती। दूसरी बार आप जब उसको मैट कराएंगे तो मैट कराने के बाद जो बच्चे होंगे वो अच्छे होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी आप जैसा आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैट कौन से दिन कराना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी डेट हीट है। जब आपको पता चल जाए कि आपकी आज के दिन की हीट आएगी, उसके बाद आपको 11 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में आपको मैट कराना चाहिए। आप एक बार भी मैट करा सकते हैं और दो बार भी मैट करा सकते हैं। दो बार मैट कराने से आपको जो कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाता है कि आपको कंसीव हो जाएगा। कंसीव होने के आपको सिम्टम है कुछ, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और कंसीव होने के बाद आपको जो पता चल जाए कि आपको कंसीव हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन चलानी होती है, जैसे आपका मल्टीविटामिन, कैल्शियम और डाइजन। आपको इसलिए देनी है कि आपकी फीमेल को गैस ना बने, क्योंकि गैस बनने के कारण जो बच्चे होते हैं वो पेट से उनका दम नहीं होता। और मल्टीविटामिन, कैल्शियम आपको सारी जरूरतों के लिए पूरी करने के लिए उसको दिया जाता है, जिससे फीमेल को कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो, वो इतनी एक्टिव रह सके और इतनी सॉलिड हो सके कि आपके बच्चों को आराम से डिलीवरी कर सके। मैं बताता हूँ आपको अपने पग से, ये पग है, ये प्राइमरी है। इसकी हाइट भी लगभग 1 फीट होती है, इसकी एज लगभग 8 से 10 साल होती है, कुछ कुछ बच्चे 12 साल तक भी जी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे, ये पिछले महीने हीट पे आई थी और 5 जनवरी को मैंने इसे मैट कराया। 5 जनवरी के हिसाब से आज 12 तारीख, आज मैं आपको ये बताता हूँ 24 दिन के बाद आपको पता नहीं कर पाएगा कि आप तकलीफ होने का आपको पिंक कलर और बड़े बड़े कलर लगभग लगभग 3 होते हैं और पेट का साइज भी टाइम टू टाइम बढ़ता जाए। ये आपने देखा होगा, अभी आप इसे समझ सकते हो। और छोटी ब्रीड जो होती है, टाई ब्रीड जो भी होती है, वो आपकी लगभग 60 दिन से बची होती है। बड़ी ब्रीड होती है जैसे आप लैब हो, जर्मन शेफर्ड हो, इनके जो बच्चे होते हैं वो 66 दिन से लेकर 65 दिन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरी बातें कुछ आपको समझ में आई हो, जो आपको लगा हो आपके काम के हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।